सो दिव्या, और भाई हमारे घर पे कौन आ रहे हैं? गणपति बप्पा, जो हम सबके फेवरेट और हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। जिस पल का हम इंतजार करते साल भर वेट करते हैं, वह पल अभी कुछ ही दिनों में आ रहा है। वो है हमारे गणपति बाप्पा गणेश चतुर्थी। गाइस, 31 अगस्त को है गणेश चतुर्थी और उनके लिए हम अभी कर रहे हैं घर की साफ सफाई और डेकोरेशन का प्लानिंग कर रहे हैं। और हमारे इसमें बोलते हैं मन में इतना एक्साइट है कि कब गणपति बाप्पा हमारे घर आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। सो गाइस, फिलहाल तो हम घर की साफ सफाई कर रहे और घर की साफ सफाई करना तो बनता है बॉस, एंड उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे डेकोरेशन का। सो गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक गणपति बापा का स्पेशल व्लॉग। तू आ रही वीडियो मेरे ओके गाइस, तो अब ये शुरुआत हो गई है। मैंने भाई को बकरा बना के उसको ऊपर चढ़ा दिया है। अभी देखते हैं वो कितना मेरा नाम रखता है और कितना साफ करके देता है मेरे को। ये सब साफ करना है क्या? हाँ ना, पूरा साफ। अभी ऐसा थोड़ी है, गणपति है तो ऑलमोस्ट सबको साफ सफाई करनी पड़ेगी ना। तो अभी भाई को मस्का लगा के अभी उसको ऊपर चढ़ा दिए। घोड़ी तो नहीं पर कुर्सी पे तो चढ़ा दिए उसको। ओके गाइस, अभी बलि का बकरा बन जाते ऑलमोस्ट। हाँ, ते सब लोग हाँ, ते एक 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 सब। हाँ अच्छा, जेवड़ा सामान है तेवड़ा सगळं काढ। काम चोर है बोल रहे, सब निकाल ले। हाइट का फायदा हो रहा है तो कुछ तो लंबे होने की बात तो चाहिए ना। तो चलो इसे ही एक एक भाई सब निकाल रहे। अभी ये ऊपर का पूरा उससे ही साफ करवा लेंगे और हम करेंगे आराम। अभी हम जा रहे हैं गाइस फ्रिज साफ करने के लिए। पहले उसे खोल के देखते हैं। हे भगवान, इतना सारा काम रहने दो, हम कर रहे हैं। चलो अभी चलते खोलने के लिए। ये काम चोरी नहीं चलेगी। गाइस, ऑलमोस्ट अभी हमारे घर की साफ सफाई हो गई है और अभी सोच रहे हैं कि हम डेकोरेशन कैसे करें गणपति बाप्पा का। अभी मेरा भाई चौक पे गया है, वो अभी आने वाला है, उसका दोस्त भी आने वाला है। सो हम सब मिलके करने वाले हैं गणपति बापा का डेकोरेशन। गाइस, तब तक अभी हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बातें। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है, आप में से भी रहेंगे, फैमिली मेम्बर या कोई भी हो सकता है, वो कहते हैं कि चलो गणपति बापा को खरीदने जाते हैं। लेकिन गाइस, गणपति बापा को खरीदने की हमारी औकात कहाँ पे? गणपति बापा को हम खरीद कैसे सकते हैं? वो अपने मर्जी से आते, मर्जी से जाते। हमारे मन में सिर्फ प्रेम और भाव होना चाहिए और हम श्रद्धा से उनकी पूजा और अर्चना करना चाहिए। गाइस, अभी हम इतना एक्साइट हो रहे हैं कि कब डेकोरेशन करें, कब गणपति बापा हमारे घर पे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, ऐसा मन में बहुत सारी खुशी हो रही है। सो गाइस, तब तक वेट करते हैं और अभी आगे मिलेंगे और हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिव्या, और हमारे घर पे कौन आ रहे? गणपति बप्पा, जो हम सबके फेवरेट और हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है। यस, तो तूने गणपति बप्पा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी की? बहुत सारी, पूरा घर साफ किया है, सब कुछ किया है, अभी डेकोरेशन बाकी है। डेकोरेशन की फिलहाल तैयारी चालू है जो हम अभी दिखाएंगे सबको। भाई, थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है घर की साफ सफाई करने में। पूरा ना? हाँ, मतलब हर कोई पापा के आने की तैयारी में, हर कोई इतना एक्साइटेड होता है कि किसी को बोलना ही नहीं पड़ता है कि भाई ये काम करो वो काम, सब में ये करो मैं वो करूँ, सबका चालू हो जाता है। तो क्या आखिर में हमारे पापा सो एक्साइटेड कि कब ये 5 दिन जाएंगे, कब पापा आएंगे और कब हम मौज मस्ती करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अभी हम करने जा रहे हैं गणपति बापा का डेकोरेशन। अभी देख सकते हैं दोनों लगे हुए, विकास हाई कर, नहीं मेरा भाई कंजूस। भाई गणपति बापा के लिए कोई क्रेडिट नहीं लेता है, समझा? सो विकास भाई, आप ही बताओ कि आपने मतलब डेकोरेशन का क्या प्लानिंग की है? फिलहाल तो देखते हैं कुछ बन जो बन जाए। बोलो अभी क्या प्लान किया है डेकोरेशन का? बन रहा है, सरप्राइज है जो बन जाएगा वो। अरे कुछ तो नाम होगा ना, सरप्राइज है। सरप्राइज है, तू कुछ बोलेगा? कुछ नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। अच्छा तो गाइस, अभी ये डेकोरेशन क्या बोलते हैं वो सरप्राइज, मतलब एंड में पता चलेगा क्या है वो, तो हम लोग के लिए भी सरप्राइज है। घर में रह के हम लोग के लिए सरप्राइज है, तो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा। और ये जो इन्होंने कहा कि क्रेडिट ले रहे हैं, तो उनका क्रेडिट हम उनको ही देंगे, हम हमारा क्रेडिट साफ सफाई पे ले लेंगे। सही बात है, साफ सफाई ने इसमें लोगों ने थोड़ा भी हेल्प नहीं किया है, थोड़ा भी नहीं। सो अभी देखते हैं इन लोगों का सरप्राइज क्या रहेगा। The end. भाई स्कूल में पढ़ा था क्या मैथ्स? वही यूज हो रहा है ना? चलो कुछ तो काम आया मैथ्स पढ़ने का। गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमने शुरुआत कर दिया है डेकोरेशन का, अभी ये रेडी हो गया इतना। अभी आप ही कमेंट करके बताओ कि क्या रहेगा हमारा डेकोरेशन। गाइस अभी आपने देखा कि हमने डेकोरेशन तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो डेकोरेशन का ब्लॉग है वो अलग हो, सेपरेट हो, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा हम कैसे डेकोरेट करें और कैसे हमने डेकोरेशन किया है। सो गाइस तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। सो गाइस बोलिए गणपति बापा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।